नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नेस्ट के धमाकेदार वीडियो में। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2023 का मुकाबला नंबर 27 खेला जाएगा पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। इन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन, अब तक के अगर प्रदर्शन पर हम नजर डालें तो वाइस वर्सा प्रदर्शन है। 5-5 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं। आरसीबी 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, तो वहीं पंजाब किंग्स 1 एक्स्ट्रा मुकाबला जीती है, यानी तीसरा 3 मुकाबले जीत कर आ रही है। और पिछला मुकाबला अगर हम देखें दोनों टीमों का, तो आरसीबी पिछला मुकाबला हार कर आ रही है अपने घर में, और वहीं पंजाब किंग्स हरा कर आ रही है। अब ये जो मैच नंबर 27 है, ये खेला जाएगा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में, पंजाब के घर में। और इस मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक ऐसी सॉलिड प्लेइंग 11 बना ली है, कि ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे शायद हरा पाना पंजाब के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वीडियो में आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11, वही पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। श्रद्धा, आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 शुरुआत करें। बिल्कुल, तो देखिए आगाज कर देते हैं आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 का। सबसे पहले ओपनर्स की अजय बात करें तो विराट कोहली और फाफ टू प्लेसी, इन दोनों का हमें शो देखने को मिलेगा, जैसे हमें पिछले मैच में देखने को मिला था। हालांकि विराट बड़े सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन फाफ टू प्लेसी ने जो पारी खेली थी, एक कप्तान वाली पारी खेली थी, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट वाली जो उन्होंने पारी खेली थी, और इसके बावजूद कि उनके कमर में चोट थी, चोट या कहीं या दर्द था, पट्टी लगाकर वो खेल रहे थे, और वो एक्चुअल में बड़ा इंप्रेस करा था सभी लोगों को कि पट्टी लगाकर भी ऐसी पारी अगर कोई खेलेगा तो हर किसी को पट्टी लगाकर पारियां खेलनी चाहिए, मतलब बहुत इंप्रेस करा था इन्होंने। और उसी पारी की बदौलत ऑरेंज कैप की इसमें टॉप पर पहुंच गए। तो देखिए फाफ और विराट अगर ये दोनों चल गए तो फिर तो पंजाब का मामला साफ है, लेकिन अगर नहीं चलते हैं तो प्लेइंग 11 में आगे और बहुत सारी है। नहीं मतलब हम देखते हैं आरसीबी की कमजोरी जो है वो ये कि सिर्फ 3 पे डिपेंड है अभी तक। जितने भी मैचेस हमने देखे, जो शुरुआत के जो 3 या 4 खिलाड़ी उन पर डिपेंड है, जो नीचे वाले खिलाड़ी है वो कुछ करते नहीं। बिल्कुल, तो अब आगे अगर हम बढ़े तो नंबर 3 पर देखिए 2 नाम है हमारे पास, एक नाम है अनुज रावत और एक है महिपाल लोमरोर। अनुज रावत का खेलना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर अनुज रावत खेलते हैं तो फिर शायद महिपाल लोमरोर को मौका ना मिले, क्योंकि फिर जगह बनती नहीं है। तो हम तो महिपाल लोमरोर के साथ जा रहे हैं, मतलब मैं महिपाल लोमरोर के साथ जा रहा हूँ। श्रद्धा आपको क्या लगता है? मैं भी महिपाल लोमरोर, हालांकि पिछला मैच इनका मतलब बहुत ही ज्यादा खराब रहा था, लेकिन फिर भी अनुज रावत से अभी थोड़ा बेटर चॉइस महिपाल लोमरोर ही। बिल्कुल, तो नंबर 3 पर देखिए महिपाल लोमरोर, लेकिन अगर अनुज रावत को भी खिलाने का मन बनाया जाता है तो फिर वो भी खेल सकते, प्लेयर बना सकते, बिल्कुल खिला सकते हैं। और आगे अगर हम बढ़े तो फिर बिग शो ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पर हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। पिछला मुकाबला भी इनका शानदार गया था, इन्होंने और फाफ डुप्लेसिस ने कुछ मनाए थे, इन्होंने और फाफ डुप्लेसिस ने सीएसके की मतलब हवा जो है वो निकाल दी थी। अंत में देखिए हार जरूर मिली, लेकिन वो 8 रन से ही हार थी और चेस करने था 227। और आप सोचिए 8 या साढ़े 8 ओवर में फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने कम से कम 100 रन बना दिए, 8 ओवर में ही 100 रन बना दिए थे। तो यार इतनी अच्छी खासी पार्टनरशिप हमें देखने को, वो भी तब जब विराट कोहली आउट हो, मतलब आपके सबसे बड़े मैच विनर आउट हो चुके थे और उसके बाद भी आप लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और आप लोग रन बना रहे थे। तो नंबर 4 पर देखिए ग्लेन मैक्सवेल है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो शाहबाज अहमद है। इनकी भूमिका देखिए टीम में अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये देखिए ये फिनिशर की भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन फिनिशर का काम दिनेश कार्तिक को दिया जा रहा है, लेकिन वो दिनेश कार्तिक नहीं कर पा रहे वो काम। अब अगर दिनेश कार्तिक फिनिश नहीं कर पा रहे तो उनको थोड़ा ऊपर भेज दीजिए, आप भेज सकते हो। तो देखिए अब दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद में से कौन फिनिशर की भूमिका अदा करेगा ये देखने वाली बात है। शाहबाज अहमद ऐसे ही हैं जैसे हैदराबाद के अब्दुल समद है, यूजलेस, अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया उनका रोल ढंग से, और ना ही वो अपने रोल को अदा ढंग से कर पाए हैं। आगे अगर हम बढ़े तो टीम में एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि मतलब बल्ले से तो उतना खास योगदान नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन गेंद से तो देखिए आप सबसे बड़े अगर आप गेंदबाज कह दें अगर आपकी टीम के आरसीबी के, तो गलत नहीं होगा वानिंदु हसरंगा। देखिए बल्ले से आपको योगदान देंगे
और गेंद से स्पिन डिपार्टमेंट के, तो भाई स्पिन डिपार्टमेंट में तो इनसे बड़ा कोई गेंदबाज नजर ही नहीं आ रहा है अगर हम गेंदबाजों की तरफ बढ़े श्रद्धा। तो देखिए उसके बाद वेन पानिल है, वेन पानिल पिछला मैच खेले थे, पिछले से पिछले मैच में इन्होंने डेब्यू किया था लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4-5 साल बाद इन्होंने मतलब ज्यादा शायद और 6 साल बाद डेब्यू एज कमबैक डेब्यू मतलब कमबैक इन्होंने करा था 3 साल बाद कमबैक उन्होंने किया था मार्कवुड 6 साल बाद इन्होंने किया था वेन पानिल और पिछले से पिछले मैच में 3 विकेट चटकाए थे। पिछले मैच में हालांकि एक विकेट इनको इनके नाम हुआ था बट डेफिनेटली एक मजबूती प्रोवाइड करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट और बल्ले से भी योगदान देते हैं नॉट टू फॉरगेट। मतलब आप इन्हें लोअर ऑर्डर में बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हो और आगे अगर हम बढ़े तो करण शर्मा और उसके बाद रजत पाटीदार के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए विजय कुमार वैशक। बेशक इनकी गेंदबाजी पहले मुकाबले में अच्छी रही थी जब डेब्यू किया था, ड्रीम डेब्यू आप कह सकते हो, लेकिन पिछला मुकाबला उतना खास नहीं गया था। ऑलमोस्ट 60 रन जो है या उससे ऊपर खर्च कर दिए थे और सवाल भी उठाए गए थे कि जब दिन अच्छा नहीं है तो क्यों इनसे गेंदबाजी करा रहे हो। एक विकेट जरूर लिया था लेकिन एक मुकाबला अच्छा गया एक मुकाबला खराब गया तो ड्रॉप तो होंगे नहीं, खेलेंगे। और आखिरी नाम मियां भाई खेलेंगे गुजरात की टीम ना हो जो यश दयाल को एक बार में ड्रॉप कर दे। हां बिल्कुल। तो और आखिरी नाम है मियां भाई मोहम्मद सिराज। इस मैच से पहले सिराज जो है वो चर्चा में आ गए, उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, वो वीडियो हमने ऑलरेडी कर दिए तो वीडियो भी आप लोग चेकआउट करिएगा। तो आरसीबी की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स के खिलाफ वो आपको सम अप करके बता देते हैं। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, अनुज रावत या महिपाल लोमरोट, ग्लेन मैक्सवेल, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वानिंदु हसरंगा, वेन पार्नेल, कर्ण शर्मा, विजय कुमार वैश्यक और मोहम्मद सिराज। तो ये थी आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पंजाब के खिलाफ। अब आपकी क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 है जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए। फिलहाल हम दोनों की तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।